Hi guys, so we are starting with HTML, the fundamental building block of web, right? So if you want to become a web developer, आपको HTML आना ही चाहिए. In fact, I can guarantee this कि दुनिया का सबसे easy website ले लो और दुनिया का सबसे difficult website ले लो, दोनों में HTML use हुआ होगा. तो आपको अगर websites बनानी है तो आपको HTML आना चाहिए. Okay? So in this video we'll be discussing what exactly is HTML, फिर हम कुछ installations करेंगे और हम एक बेसिक कोड लिख करके देखेंगे HTML में. ओके, दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट HTML. व्हाट इज HTML? सो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज HTML, द जनरल आंसर दैट आई गेट इज द फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये सबको पता होता है. बट अगर मैं ये पूछ लूँ कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है. सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, बिकॉज वो समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, सो हाइपर टेक्स्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट. इफ यू टॉक अबाउट अ टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है? स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ, राइट? और वो 2D होता है, मतलब उसका ब्रेथ होता है, उसका लेंथ होता है, राइट? खूब सारे वर्ड्स. व्हाट इज अ हाइपर टेक्स्ट? द हाइपर टेक्स्ट इज बेसिकली दिस फॉर्मैट ऑफ राइटिंग टेक्स्ट जहाँ पे 3D हो जाता है सब कुछ. लाइक देर इज अ लेंथ, देर इज अ ब्रेथ, देर इज ऑल्सो अ डेप्थ. आई शो यू हाउ, आई शेयर माई स्क्रीन. सो या, सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैव अ विकीपीडिया आर्टिकल ऑन इंडियन प्रीमियर लीग, IPL के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि IPL के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इन टेक्स्चुअल फॉर्मेट, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, राइट? बट यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है नॉर्मल टेक्स्ट से. वो क्या है कि अगर आप कुछ वर्ड्स पे फोकस करो तो वो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं और आप उनके ऊपर होवर करने पे ऐसे हाथ का सिंबल बन रहा है. एक्चुअली आपको भी पता है दीज आर लिंक्स. लिंक मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे विकिपीडिया आर्टिकल खुल गया. अब यहाँ से यू कैन ऑल्सो गो टू नेपाल, राइट? नेपाल से यू कैन गो टू साउथ एशिया. सो यू कैन सी विकिपीडिया पे जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड वाया दीज लिंक्स. और ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट लिखने का जो तरीका है, मतलब आप जब क्लिक कर रहे हो तो इट्स एज इफ जैसे डेप्थ है उसके अंदर. इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है? और हाइपर टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, क्रिएट करना है, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है HTML. सो वेब का जो सबसे फंडामेंटल लॉजिक है कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आप किसी से भी कहीं तक पहुंच सकते हो, इसको एम्पावर करने का जो मेन चीज़ आ रहा है वो HTML के थ्रू आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई HTML इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर पॉइंट. सो आई विल स्टॉप माई स्क्रीन शेयरिंग. या, सो टू बी ऑनेस्ट, HTML काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि HTML इज बेसिकली इट रिसाइड्स ऑन अ सर्वर, मतलब अगर आपको सर्वर पता होगा, हर वेबसाइट का एक सर्वर होता है, राइट? सर्वर पे ही उस वेबसाइट की सारी फाइल्स होती हैं. सो होता क्या है, आई डू माई स्क्रीन शेयरिंग वन मोर टाइम. होता क्या है कि जब आप, दिस इज क्लाइंट, दिस इज यू, आप अपने ब्राउजर पे एक URL टाइप करते हो और वो HTTP के थ्रू वो रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास जाता है. अब सर्वर क्या करता है, सर्वर थोड़ा लॉजिकल प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा वेब पेज आपको भेजना है, क्लाइंट को भेजना है. और फिर वो फाइनली एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है HTML, CSS और JavaScript के फॉर्म में और वही आपके ब्राउजर में जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर समझने का चीज़ है कि HTML एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसका काम क्या है. सो ध्यान से सुनो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा. इफ़ आई एम अ वेब डेवलपर और मैंने डिसाइड किया कि मेरी वेबसाइट में ऊपर नेविगेशन बार आएगा, राइट साइड में इमेज आएगा, लेफ्ट साइड में बटन आएगा और सेंटर में टेक्स्ट आएगा. मैं चाहता हूँ मेरा वेबसाइट हमेशा ऐसा ही दिखाई दे, कोई भी देखे. अब ऑब्वियसली आप एज अ क्लाइंट मेरा वेबसाइट ब्राउजर में देखोगे, तो किसी तरीके से मुझे ब्राउजर को ये बताना है कि सुनो मेरा वेबसाइट को तुम एग्जैक्टली ऐसे ही डिस्प्ले करना. तो मुझे उसको कुछ रूल्स देने होंगे कि इन रूल्स को फॉलो करो तो वेबसाइट ऐसे डिस्प्ले होगा. और वो रूल्स ही एक्चुअली HTML है. HTML इज नथिंग बट अ रूल बुक जिसको देख करके ब्राउजर को समझ में आता है कि वेब डेवलपर क्या चाहता है, वेबसाइट को कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ HTML. इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स जिसको ब्राउजर पढ़ता है और अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ों को ड्रॉ करता है. अगर उसको H1 टैग दिखाई देता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ओके, ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए. अगर उसको B टैग दिखाई देता है तो उसको समझ में आ जाता है कि इतना टेक्स्ट मुझे बोल्ड में दिखाना है. अगर उसको IMG टैग दिखता है तो उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे मुझे एक इमेज डिस्प्ले करना है. तो इट्स अ रूल बुक फॉर योर ब्राउजर. ओके, आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अगर आप फुल फॉर्म का बात करो तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट हम लोगों को समझ में आ गया, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? सो मार्कअप लैंग्वेज इज टू बी ऑनेस्ट नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पाइथन जावा है इस तरह से. इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
और इसलिए शायद HTML पढ़ना और सीखना बहुत ईजी है, बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आई टेल यू। सो यहाँ पर फॉर लूप्स नहीं है, इनफैक्ट लूप्स ही नहीं है, यहाँ पर इफ एल्स नहीं है, यहाँ पे यू नो यू कैन नॉट क्रिएट फंक्शंस, यहाँ पे यू डोंट हैव द पावर ऑफ यू नो डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस तरह के कुछ भी लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं है, आप HTML यूज़ करके लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, आप नहीं कर सकते। इट्स अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज, मैंने जैसा पहले भी बोला HTML इज लाइक दिस थिंग यूजिंग विच यू कैन क्रिएट द स्केच ऑफ योर वेबसाइट। जब आप ड्रॉइंग करते हो तो आप पहले स्केच बनाते हो, फिर आप उसको कलर करते हो, राइट? सो अगर आपको स्केचेस बनाने ना अपने वेबसाइट के, उसके लिए आप HTML को यूज़ करते हो, ठीक है? सो आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको रफली समझ में आ गया। HTML में और कुछ खास है भी नहीं समझने के लिए। नाउ वट विल डू इज आई टेल यू हाउ टू यू नो इंस्टॉल एंड रन HTML। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ ब्राउजर, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग, बिकॉज एट द एंड आपका प्रोग्राम रन करेगा इनसाइड द ब्राउजर, राइट? आपको बस एक कोड एडिटर चाहिए, कायदे से आप नोटपैड के ऊपर भी कोड कर सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर नोटपैड बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए। सो आई विल बी यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड सबलाइम टेक्स्ट, आई गेस आपने शायद कभी नाम सुना होगा। आपको बहुत सिंपल है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, मतलब बेसिकली यू हैव टू सर्च फॉर सबलाइम टेक्स्ट, क्लिक ऑन दिस, ये विंडो खुलेगा, यहाँ से यू कैन गो फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज, और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है 10 MB का, तुरंत डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ वेरी जेनरिक, आपको पता है ऑलरेडी, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मीनवाइल सबलाइम टेक्स्ट को छोड़ के भी देर आर सर्टेन ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़, यू कैन गो विथ VS कोड, आजकल बहुत चल रहा है, राइट? यू कैन ऑल्सो यूज़ एटम, ये भी एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है जो बहुत फेमस है आजकल। यू कैन यूज़ एनी कोड एडिटर, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर सबलाइम टेक्स्ट, तो मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। Now guys, now that Sublime Text is installed, what I'll do is, I'll go to Sublime, I'll go to search menu, I'll open Sublime Text, and this is the window guys, okay, this is the window. So what I'll do first is, ki, since hum log pura ka pura ek 10-12 video ka series ho gai hai, to yahan pe hum log bahut code karne wale hain, to main ek folder bana le raha hun iske liye, let's call it HTML, okay, ya HTML ट्रेनिंग कह सकते हैं इसको, ट्रेनिंग, ठीक है? और अब आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली सबलाइम टेक्स्ट में जाना है, फाइल में जाना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ से यू हैव टू गो टू योर डेस्कटॉप एंड फ्रॉम देयर यू विल फाइंड आउट HTML ट्रेनिंग वाला फोल्डर। ये रहा आपका फोल्डर, एक नया विंडो ओपन हो गया, पिछला वाला मैं बंद कर रहा हूँ एंड इसको आई विल सेव, ओके। सो दिस इज द सेटअप, हम लोग सारा कोड यहीं पे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक फर्स्ट फाइल बना लेते हैं। सो टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यू विल सिंपली राइट क्लिक न्यू फाइल एंड यू विल सेव इट बाय द नेम ऑफ लेट्स से index.html, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, हमने index.html रख दिया, ठीक है? और जस्ट टू क्रॉस चेक ये फाइल बना है कि नहीं, यू कैन गो टू योर फोल्डर, नॉट दिस वन, यू कैन गो टू दिस फोल्डर एंड यू कैन सी हमारे पास index.html बोल के एक फाइल बन गया, ठीक है? Now the last thing that I'll do in this video is I'll simply write a simple hello statement, hello world, control s, save कर दिया and that's it guys। बस इतना करके आपको अपने browser, अपने folder में वापस जाना है और इसको आप ऐसे ही double click करके open करोगे, you'll see कि आपके screen पे एक web page है जहाँ पे hello world लिखा हुआ है, ठीक है? So I hope ये पहला video was easy to understand, easy to follow। हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ HTML, फिर हमने छोटा सा सेटअप करके स्टार्ट कर लिया, और अब सबसीक्वेंट वीडियोस में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।